Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बांग्लादेश में पिछले दिनों जो हालात बने हैं वो बहुत चिंताजनक है। खासकर जनवरी में जो सरकार चुनाव जीत कर आई है, तब से तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कोशिश की जा रही थी कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए चुनी हुई सरकार को हटा दिया जाए, और पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारी ऐसा करने में सफल भी हो गए। ऐसा लगता है कि भीड़ का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना और उनकी मांगे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें सोशल मीडिया और साइबर माध्यमों की भी अहम भूमिका है। इस तरह से भीड़ सड़क पर उतरकर अपनी मांगे मनवाने में सफल हो रही है और यहां वोट की ताकत गौण हो गई। अगर भीड़ को राजधानी या जहां सरकारी प्रतिष्ठान है वहां आने दिया जाए तो वो सारे रास्ते बंद कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री को लग रहा था कि भीड़ पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन बाद में बांग्लादेश की सेना और पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। कई पुलिस स्टेशन जला दिए गए। सेना ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप जाइए, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये हर लोकतांत्रिक देश के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र के साथ वहां की सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे हालात पैदा न हों कि भीड़ सड़क पर उतर आए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लोग मरने मारने पर ना उतर आए। बांग्लादेश में जब 1971 की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। उस समय जो बुद्धिजीवी थे उनमें अधिकांश को प्रताड़ित किया गया था, कईयों को मार भी दिया गया था, और अब बांग्लादेश में एक बार फिर वैसे ही हालात बने। इन्हीं हालातों को देखते हुए सेना ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप यहां से चले जाइए।